खबर रीवा जिले के मोगल थाना क्षेत्र से है, जहां सराफा कारोबारी के साथ दो युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित नईगढ़ी थाना क्षेत्र के जुड़मनिया मुरली का रहने वाला है, जो मऊगंज में सोना चांदी का कारोबार करता है। बताया जाता है कि नीलेश सोनी को फोन पर देवेंद्र सोनी पिता संतोष सोनी बुलाया तो नीलेश सराफा बाजार मिलने पहुंच गया, जहां देवेंद्र के साथ अभिषेक सोनी भी मौजूद था। बताया जाता है कि दोनों युवकों ने पीड़ित से सोने चांदी की मांग की तो नीलेश देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और दोनों युवकों ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। इतने में ही देवेंद्र सोनी ने युवक पर हमला कर दिया तो अभिषेक सोनी भी उससे मारपीट करने लगा। मारपीट की घटना देखकर आस पास के लोग एकत्र हो गए और मामला शांत कराया। पीड़ित का मोबाइल भी आरोपियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरे घटना की शिकायत मऊगंज थाने में पीड़ित के द्वारा की गई है। वही मऊगंज पुलिस आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी घटना, किस तरह से युवकों के द्वारा सरे बाजार मारपीट की गई है। एक एक पसली की मनाई आदमी के भूचे भर मारे पाई बैठ जा भैया है से लड़ाई कर के जे हद हम दहिगर दहिगर पहले मार दिया था हम जानी थे एक से बहुत किनारे रही थी भाई के दहिगर पहले मार दिया था ये कह रहे हैं खड़े सामान मार रहे हैं मार लेकर मार लगता है। हेलो काहे वो दिखाई दे ना और तुम साथ में है छड़ावल लागे के पकड़ जाए काना वाला लड़का को आ गया ददवा के भाई चार पीस की होगी तो काम हो जाएगा। हमारे पास हम मोबाइल फोड़िए मोबाइल फोड़िए ताकि हाँ अब विकी से अगर पकड़ेंगे आपको पेड़ देखा मोबाइल पता अब विकी पता है हाँ पथरा लेना का हूँ।